जय जय श्री राधे राधे। आज हम अपने लाला की कैब बनाएंगे, ग्रीन और पिंक कलर की। जो मैंने ड्रेस बनाई है उसके मैचिंग की कैब बनाएंगे। तो हम बताते हैं कैब बनाना, हम कैब कैसे बनाएंगे अपने लाला की। हम अपने लाला की कैब बनाने के लिए इस तरीके से ऐसे सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से ये हो गया, ऐसे इसको ऐसे करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे करके। हम यहाँ पे हमको सिंगल क्रोशिया करने हैं। ऐसे करके हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है अपना सारी रो में। ऐसे हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। अब मैं गिनती हूँ मैंने कितने सिंगल क्रोशिया करे हैं इसमें। देखो, 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो 10 10 सिंगल क्रोशिया हो गए इसमें हमारे। और अब मैं करती हूँ ये 11, ये 12, हमने 12 सिंगल क्रोशिया कर लिया। और ये हमारा ये वाला थ्रेड है, हम इसको ऐसे करके बाहर निकालेंगे ऐसे करके। देखो इस तरीके से इसको खींचेंगे हम धागे को अपने को ऐसे करके। इस तरीके से हमने अपना धागा ये खींच लिया पूरा, ये हमें खींच लेना है इस तरीके से। आराम आराम से खींचना, टूट ना जाए कहीं। ऐसे करके हमको ये सेट कर लेना है। कैप का ऊपर का पार्ट है ये, और इसको हम नीचे करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से अपना जोड़ देंगे इसको। ऐसे करके इधर, ठीक है। अब हम इसे सब में इसमें हम डबल 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे सब में, सारी चेन में। इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके हमें सब में अपने डबल क्रोशिया करने हैं। ये लाला की कैप बना रहे हैं, 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की कैप है ये। तरीके से यहाँ पे 1 2 3 में अपने हम
स्लिप स्टिच कर देंगे इधर इस तरीके से। और फिर हम फिर बनाएंगे एक दो तीन, फिर यही हम एक में दो फिर बनाएंगे हम यहाँ। हमने अपनी तीन चेन बना ली है, तीन चेन बना के और सब में हमें एक एक क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। हमें डबल क्रोशिया अपना करना है, किसी में कुछ नहीं बढ़ाना क्रोशिया में, सारी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। इस तरीके से तरीके से हम एक क्रोशिया कर लेंगे अपना, पूरी राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम अपने से करते करते। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे हमें अपना सारे राउंड में क्रोशिया करना है, डबल क्रोशिया एक एक बार। ऐसे ऐसे करके हमें सारे में डबल क्रोशिया कर देना है अपना। और हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से अपना जोड़ लेना है इधर, देखो इस तरीके से वर्क को ऐसे। ये हमारी कैप बनके इस तरीके से रेडी होने जाएगी। फिर तीन चेन, एक दो तीन, फिर यहाँ पे हम अपना क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमें 6 नंबर लड्डू पाली की अपनी ड्रेस बनानी है। इस तरीके से हमको अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ाना, सीधा जो हमारे क्रोशिया हैं सिंगल सिंगल वही हमको डबल क्रोशिया बनाने हैं अपनी सारी चेनों में। जो हमें यहाँ पे बढ़ाने थे वो हमने बढ़ा दिए सारे एक साथ।
ये एक दो तीसरी चेन में जाके हमको अपना वर्क को जोड़ देना है इस तरीके से स्लिप स्टिच से, ऐसे करके ये हमने जोड़ दिया इस तरीके से, है नी। ये देखो ये हमारी 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बन रही है, इस तरीके से कैप बन रही है ये। एक दो तीन, फिर से हम इसमें बनाएंगे, एक राउंड और करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात आठ, आठ ही नौ, नौ दस। इस तरीके से हमें सारे अपनी क्रोशिया पूरे कर लेने हैं इसमें। यहाँ पे अपना हम वर्क को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरीके से। यहाँ बनाई हमने 3 चेन और फिर हम सब में हमें डबल डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से, सब में हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे अपनी चेन में इस तरीके से। ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है सारी चेनों में हमें। हर एक अपनी चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे करके। ये हमें सब में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते बनाते अपना वर्क का पूरा एंड करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हमने अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया दो दो डबल क्रोशिया बनाते बनाते इस तरीके से। और यहाँ पे हमने कितनी चेन करी है, कितने हमने अपनी लाइन करी है, रो करी है, एक दो तीन, तीन रो में बनाया है। वैसे तो ऊपर देखो सिंगल क्रोशिया, हमें सिंगल क्रोशिया करा था इधर, एक दो तीन चार पाँच हो गई इस तरीके से गिनेंगे तो। वैसे एक दो, एक दो तीन चार, चार हो गई, और ये सिंगल क्रोशिया बना के पाँच, और एक छः। इस तरीके से पूरी हमारी पगड़ी 6 क्रोशिया लाइन की हैं और बहुत अच्छी पगड़ी हमारी लाला की कैप तैयार हुई है बनके गरम वाली। देखो कितनी सफाई से, सुंदर कलर भी लग रहा है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है ड्रेस का। और हमको यहाँ पर स्लिप स्टिच से इधर बंद करना है। ये 6 नंबर लड्डू पाली की कैप रेडी हो रही है इस तरीके से। हम
अनुष्का, ये मैंने अपना वर्क यहाँ पे जोड़ लिया इस तरीके से, कैप माई बन के रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे अपना ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। ऐसे करके इस तरीके से यहाँ पे हम बना लेंगे। एक दो तीन चेन हो गई हमारी ये। पिंक वाला धागा हम यहीं पे अपना कट कर देंगे। ये हमने अपना तीन चेन बना ली इधर, और ये अपना हम पिंक का धागा भी हमने कट कर लिया। ये धागा हम सेफली इधर सेट कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे अपना डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से दो बारी करेंगे एक ही चेन में हम डबल क्रोशिया अपना, इस तरीके से। और इसको हम ये एक चेन छोड़ के यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम अपना एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हम ऐसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इसको। इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अपना ऐसे करके। ऐसे करके हमें वर्क कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे हम ये वाला एक छोड़ के यहाँ पे अटैच करेंगे अपना वर्क ऐसे करके, ठीक है, स्लिप स्टिच से ऐसे कर देंगे। ऐसे करके एक दो दो चेन लेंगे इस तरीके से हम। फिर हम अपनी इसी स्लिप स्टिच में अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके फिर ये वाला छोड़ के यहाँ पे हम अपना लगा देंगे इसको। ऐसे करके डिजाइन हमारी आती जाएगी इसमें कैप में। ऐसे से हम सिंगल चेन स्क्रू से जोड़ देंगे इधर हम, और इधर हम दो चेन बनाएंगे फिर से ऐसे करके। इस तरीके से हम अपना ये पूरा राउंड करते हुए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। हमें पूरा राउंड करके बताती हूँ आपको। तो हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे अपना वर्क का एंड करना है ऐसे करके, स्लिप स्टिच से इस तरीके से। ऐसे करके ये हमारी पगड़ी बन के रेडी हो गई है। लाला की कैप, बहुत अच्छी कैप बनी है हमारी लाला की। देखो बहुत सुंदर कैप है हमारी लाला की। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, हमारी लाला लगा के बहुत प्यारे लगेंगे। बहुत सुंदर कैप है ये। 6 नंबर डुपाल जी कैप बनाई है मैंने इस तरीके से। अब अपने वर्क को हम यहाँ पर एंड करते हैं। ऐसे करके हमें बनानी है ऐसे। ये हमारा वर्क पूरा एंड हो गया। यहाँ पे हम इसको अंदर कर देंगे ऐसे। देखो बहुत प्यारी कैप है हमारी लाला की। मेरी लाला की कैप आपको कैसी लगी ज़रूर बताना नीचे कमेंट में। आपको अच्छी लगी हो तो इस तरीके से हमारी लाला कैप को पहनेंगे। बहुत प्यारी कैप है हमारी लाला की, बन के रेडी हो गई है। हमारी लाला की आपको कैप कैसी लगी कैप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि कैप हमारी लाला की आपको कलर कॉम्बिनेशन, कैप का डिज़ाइन कैसा लगा आपको। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।
जय जय श्री राधे राधे। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय जय श्री राधे राधे। ये कैप हमारे ललक की देखो कितनी प्यारी है, ये बहुत सुंदर कैप लग रही है। ये देखो ऐसे करके बहुत सुंदर कैप है, इस तरीके से देखो हमारे लाल लाल कितने प्यारे लगेंगे। ठीक है राधे राधे। की कैप बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, इस तरीके से हमने अपने लाला की कैप बनाई है। मेरी मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय जय श्री राधे राधे। और अपने अपने लाला के लिए सब लोग ये वाली कैप बना लो, बहुत प्यार से स्नेह से बनाना, जो हमारे लाला बहुत खुश हो जाए पहन के। बहुत प्यारे प्यारे कलर से ड्रेस बनाओ लाला की, कैप बनाओ लाला की हमारी की। और ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय जय श्री राधे राधे।